हेलो गाइस, वेलकम टू आवर माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ही बेटर से 3-4 पकौड़ों की रेसिपी। देखिए, हमने कुछ ब्रेड काट लिए हैं, एक दो टुकड़ों में मिर्ची, पालक के पत्ते। एक ही बेटर में हम ये 3-4 चीज़ें तलेंगे। देखिए, हमने बेसन लिया हुआ है, इसमें हम नमक डाल देंगे। मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, भुना हुआ जीरा, इन सब चीज़ों को मिला ले रहे हैं। इसमें हम बेकिंग पाउडर या सोडा कुछ नहीं डालेंगे, ये इतना ही फूल जाएगा, इसे फेंट देंगे। देखिए, हमने सारे बेटर को, सारे चीज़ों को मिला दिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम अपना बेटर बनाएंगे। थोड़ा ही थोड़ा पानी डालेंगे जिससे हमारा बेटर पतला ना हो और लम्स भी नहीं पड़ेंगे। अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो लम्स पड़ जाएंगे, इसलिए थोड़ा ही थोड़ा पानी डाल के बनाना है। देखिए, इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे। देखिए, हमारा बेटर बनकर तैयार हो गया है, जिसे हम अच्छे से पिसाई कर लेंगे। ज़्यादा पंदर नहीं रखना है, नहीं तो चढ़ेगा नहीं। देखिए, हमने कढ़ाई में अपना घी डाल के रख दिया है। जितना ही बेटर फूलेगा उतने ही हमारे पकौड़े फूल जाएंगे। मेरा बेटर एकदम तैयार है। देखिए, हम अपनी पहले सबसे पहले मिर्ची तलेंगे। देखिए, हमारी मिर्ची भी ड्राई हो गई है, अब हम निकाल लेंगे इन्हें बाहर 2 मिनट बाद। इन्हें बाहर निकाल ले रहे हैं। अब हम अपने बेसन में अपने पत्ते चढ़ाएंगे, दूसरी रेसिपी। हम पलट दे रहे हैं। इन्हें बाहर निकाल ले रहे हैं अपने। अब देखिए, इसी बैटर में हम ब्रेड को भी तलेंगे।
इसको अभी हम पलट दे रहे हैं। अभी हम बाहर निकाल ले रहे हैं। देखिए मेरे एक ही बैटर में तीन तरह की रेसिपी बन गई हैं। ये देखिए ब्रेड पकौड़ा, मिर्ची, पालक और साथ में चटनी। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग रमज़ान में इसी तरह से एक बैटर से तीन तरह की रेसिपी बना सकते हैं। जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपी आपको देखने को मिलेंगी, जिसे खाकर सब लोग खुश हो जाएंगे और रमज़ान में इफ्तार की रौनक बन जाएगी ये पकौड़े।